एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। यहां पर दो तेज रफ्तार कार कोर्ट के गेट के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दौड़ लगाकर कार सवार को पकड़ लिया। एक कार में एक युवक और युवती सवार थे, जबकि दूसरी कार में कुछ अन्य लोग मौजूद थे। इधर सूचना पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस पहुंची, सभी को हिरासत में लिया गया। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में आज लगभग 12:15 बजे जो सुरक्षा कर्मी लगे रहे, सुरक्षा अधिकारी गेट पर लगे रहते हैं, उनकी बिना अनुमति के दो कार परिसर में पहुंच गई थी। और सुरक्षा कर्मी जब पहुंचे तो उसमें पाया कि दो पक्ष थे और कोई पक्षकार माननीय न्यायालय में जाना चाहते थे और उसका उल्लंघन करके अंदर पहुँचे हैं। अभी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी ये मिली है कि कुछ लड़के लड़कियों ने आपसी शादी के संबंध में कोर्ट में आए थे और उनके लड़की के परिजन उसके पीछे थे, जिनमें विवाद हो रहा था। अभी जो शिकायत होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।